तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं दोस्तों आज बहुत ही प्राइम लोकेशन न्यू चंडीगढ़ में। जी हां, न्यू चंडीगढ़ में हम पहुंच चुके हैं। आप देख रही है, बड़े बड़े रोड्स मिल रहे हैं, पूरी आपको ग्रीनरी ग्रीनरी मिल रही है, बड़े बड़े यहाँ पार्क मिल जाते हैं। और ये जो लोकेशन बिल्कुल हमारा नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, बिल्कुल उसके पास हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हम टूर करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री का, 250 गज के साइज, बड़े साइज के घर के दोस्तों फ्लोर का। और आप देख रहे हैं ये फ्लोर का एलिवेशन, बहुत प्यारा एलिवेशन है दोस्तों, 250 गज में बना हुआ है। आप इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब करा तो सबसे पहले वही काम कर लें। चलिए फिर बिना देरी करें चलते हैं इस फ्लैट के टूर पे। तो ये हम पहुंच चुके हैं अपने 250 गज के बने हुए फ्लोर पे। प्राइम लोकेशन न्यू चंडीगढ़ की होने वाली है, विद लिफ्ट आपको मिलने वाला है। ये आ गया हमारा सिंपल फ्लैट, तो आइए चलते हैं इसके अंदर। और अंदर जैसे दोस्तों आप आओगे तो आपको एक वाव फील आने वाला है। ये हमारा ड्राइंग एरिया रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए, नीचे अगर आपको फ्लोरिंग की बात करूँ तो आपको इटालियन लुक की फ्लोरिंग मिल जाती है, 6x4 की बड़ी बड़ी दोस्तों, 4x4 विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं। और डाउन सीलिंग देखिए बिल्कुल एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। और अगर मैं इसके दोस्तों साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है 16x13 का, तो एक अच्छे साइज़ का आपको ये ड्राइंग एरिया मिलने वाला है। इसमें आपको दोस्तों 2 AC इंक्लूड रहने वाले, ये आपको फुली लोडेड घर मिलने वाला है, फुली फर्निश नहीं होगा, फुली लोडेड होने वाला है। तो ये हमारा आ गया ड्राइंग एरिया। और बिल्कुल इसी के साथ कनेक्टेड हमारी फ्रंट में आ जाती है बालकनी। और ये देखिए UPVC के साथ आपको दोस्तों भी पूरा आपको मिलने वाली है बालकनी की विंडोज। इसमें आपको मैश भी इंक्लूड रहने वाला है, ये देखिए विद मैश डोर रहने वाली है। और ये आ गया हमारा फ्रंट बालकनी। और अगर मैं इस फ्रंट बालकनी की दोस्तों साइज की बात करूँ, 20x4 इसका साइज रहने वाला है। ये देखिए बहुत बड़े साइज की ये बालकनी है। और बाहर देखिए दोस्तों, फ्रंट आप जो देख रहे हैं बड़ी बड़ी आपको रोड मिलने वाली हैं। फ्रंट में आपको ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं रहने वाली। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे ये पार्क बना हुआ है, ऐसे ही पार्क बनेगा, फिर एक आपकी रोड आएगी और फिर वो घर आएंगे। तो बहुत डिस्टेंस रहने वाला है घर से घर के बीच। और ये देखिए बहुत प्राइम लोकेशन न्यू चंडीगढ़ की ये रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं आगे हमें और क्या मिलने वाला है। ये आपने देखा पूरा हमारा ड्राइंग एरिया, जिसके साथ आपको कनेक्टेड मिलती है ये बालकनी। और घर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा बहुत बड़े साइज का डाइनिंग एरिया। तो ये देखिए इस एंगल से देखिए, एक बहुत अच्छे साइज का ये डाइनिंग एरिया रहने वाला है। 16x13 इसका भी साइज रहने वाला है। और आप देखिए, आप चाहे दोस्तों इससे भी बड़ा डाइनिंग टेबल लगाए, 6 चेयर लगाएं, 8 चेयर लगाएं, तो बहुत ज़्यादा ये स्पेस रहने वाली है। आप ऊपर देखिए फॉल सीलिंग दोस्तों एक बहुत प्यारी। ये आपको घर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया फुली लोडेड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए एक मिल जाएगी दोस्तों वार्डरोब, ये देखिए यहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी डिस्प्ले कर सकते हैं। और इवन अगर चाहे तो आप यहाँ पे अपना बार सेटअप भी कर सकते हैं। तो ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। और बिल्कुल आपके यहीं पे दोस्तों आपको एक मिल जाएगी कॉमन वॉशरूम, जो हमारा पहले बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगा, क्योंकि दोस्तों यही आपका हम चाहते हैं कि आपके जो गेस्ट हैं आपके बेडरूम में ना जाए, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। और ये मिल जाएगा आपको हमारा पहला वॉशरूम। इस वॉशरूम के साइज की बात करूं तो 6x6.6 इसका साइज रहने वाला है। रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई हैं, सीलन पपड़ी का कोई इशू नहीं है। और आप देख रहे हैं आपकी वॉल हैंग सीट, वैनिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है कोलर ब्रांड का ही मिलने वाला है। तो ये था हमारा पहला दोस्तों वॉशरूम। और ये देखिए स्मार्ट, आजकल दोस्तों हर चीज स्मार्ट है और हमारे मिरर भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो क्या बात है, ऐसा घर, लग्जरी घर, लोकेशन लग्जरी न्यू चंडीगढ़ की रहने वाली है। तो ये आ गया हमारा पहला बेडरूम। और मैं अगर इस बेडरूम के साइज की बात करूं, 11x13.6 इसका साइज रहने वाला है। तो यानी कि बहुत अच्छे साइज का आपको ये बेडरूम मिलता है। और ये दोस्तों वही अटैच बालकनी आ जाती है जो अभी हमने देखी हमारे ड्रॉइंग एरिया से भी अटैच थी, तो उसका एक्सेस आपको यहाँ से भी मिल जाता है। और ये आ जाता है हमारा वार्डरोब। अभी वार्डरोब दोस्तों लॉक है क्योंकि ये हमने इसको एज ए ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला बेडरूम है। और फिर भी देखिए दोस्तों, पहला बेडरूम है, बहुत अच्छा साइज है 13.6x11 का। और इसमें भी अगर आप जैसे देख रहे हैं डाउन सीलिंग विद LED लाइट्स बिल्कुल एज इट इज आपको इंक्लूड रहने वाली है। तो ये था हमारा पहला बेडरूम। तो हमारे घर में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, किचन। जी हाँ, हमारी लेडीज के लिए, हमारे माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत बड़ी किचन आपको मिलती है। और अगर मैं इस किचन की साइज की बात करूं,
इसका जो साइज रहने वाला है 14x7.6 का। तो बिलीव करिए दोस्तों कितनी बड़ी किचन है। देखिए लेंथ इसकी 14 रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ से बहुत प्यारी, देखिए ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ बहुत प्यारी, देखिए बहुत आपकी चिमनी की बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलने वाली है। और ये आप जितना काम देख रहे हो दोस्तों ये डिको हो रखा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जितनी भी स्लैब है ये आपकी दोस्तों क्वाड रहने वाली है। बहुत प्यारी बहुत हैवी आपको मॉड्यूलर किचन मिलती है, ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ। आप जहाँ जहाँ भी देखोगे दोस्तों बहुत अच्छी बहुत हैवी आपको किचन मिलने वाली है, सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ है। और दोनों साइड आपको दोस्तों ऐसे मिलता है, ये आपको डबल सिंक मिल जाएगा। तो ये देखिए सारी किचन आपको हैवी किचन मिलती है, जहाँ जहाँ पे भी आप देखोगे आपको ऐसे ही मिलने वाली है। और ये देखिए आपकी क्रॉकरी के लिए आप अगर जैसे आपके बर्तन धो के रखते हैं तो आप यहाँ रख सकते हैं। और ये आपको ग्लास के साथ ये स्पेस आपको मिल जाती है आपके अप्लाइंसेस के लिए। और ये देखिए यहाँ पे भी आप अपने अप्लाइंसेस रख सकते हैं। अभी हम इसको दोस्तों अपना एज ए ऑफिस सेटअप यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा सिंपल फ्लैट है। और यहाँ देखिए बहुत बड़ी आपको स्पेस मिल जाती है आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए भी। तो आप चाहे तो आपकी डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, हाइट वाली भी है, पूरी एडजस्ट रहने वाली है। तो एक लग्जरी कर दोस्तों, इतनी बड़ी किचन मैंने आज तक नहीं देखी। ये दोस्तों जिस कैटेगरी में आपको 250 गज में मिलता है तो बहुत इनफ बहुत बड़ी आपको किचन मिलती है। ये आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ 14.6x11 इसका साइज़ रहने वाला है। और ये देखिए आपका बेड लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और पूरा देखिए बेडरूम, सबसे पहले देखिए आप डाउन सीलिंग इसकी बहुत हैवी आपको डाउन सीलिंग मिलती है। इसमें दोस्तों आपको सीलिंग फैन जो आप अभी देख रहे हैं सीलिंग फैन ये इंक्लूड नहीं रहने वाले, बट इसमें आपको सीलिंग फैन मिल जाएंगे। तो ये हमारा इसके साथ अटैच आ जाएगा वॉशरूम। इस वॉशरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ 6x6.6 का रहने वाला है। अगेन आपकी वैनिटी कॉलर ब्रांड की रहने वाली है। आपका स्मार्ट मिरर है दोस्तों देखिए, और आपकी वैनिटी आ जाएगी स्टोरेज के साथ। आपकी वॉल हैंग सीट अगेन कोलर ब्रांड की, और रूफ हाइट से टाइल्स लगी हैं, सीलन पपड़ी का कोई इशू नहीं है। विंडो वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट की प्रोविजन भी आपको मिली जाती है। तो ये हमारा अटैच आपको मिलता है वॉशरूम हमारे सेकेंड बेडरूम के साथ। इस बेडरूम के साथ दोस्तों आपको एक रनिंग बालकनी मिलती है, वही रनिंग बालकनी हमारी किचन को भी दोस्तों अटैच करती है। और ये हमारी वो रनिंग बालकनी है। इसकी जो लेंथ रहने वाली है इसका व्यू दिखाऊंगा आपको हमारे थर्ड बेडरूम के साथ। इस बालकनी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, इसकी लेंथ रहने वाली है 26 और इसकी विड्थ रहने वाली है 4 की। तो आइए चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में और वहाँ से आपको दिखाता हूँ हमारी इस बालकनी का व्यू। और वही बालकनी आप देख रहे दोस्तों हमारी किचन से भी कनेक्टेड है और हमारे थर्ड बेडरूम से भी कनेक्टेड है। ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम। तो यहाँ पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, आप देखिए बहुत अच्छी दोस्तों। यहाँ पे आपको ये बेडरूम का अगर जो साइज होने वाला है 14.6x11 का, और ऊपर देखिए डाउन सीलिंग बहुत हैवी डाउन सीलिंग आपको इसमें मिलने वाली है। और ये इसके साथ आपको कनेक्टेड मिल जाती है बालकनी, मैश आपको इंक्लूड रहने वाले हैं। और ये देखिए ये आ जाएगी हमारी बालकनी 26x4 इसका साइज रहने वाला है। कैमरामैन अगर आपको इधर भी दिखाने की कोशिश करें, और यहाँ पे आपको देखिए टैप की प्रोविजनिंग मिल जाती है, ये आपको टैप की प्रोविजनिंग मिल जाती है। आप यहाँ वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और देखिए अगर आप बैक में भी देखिए दोस्तों घर, ऑलमोस्ट इनमें जो डिफरेंस रहने वाला है आपका 30 फीट का डिफरेंस रहने वाला है घर टू घर, और बहुत अच्छा वेंटिलेशन बना रहेगा। और ये बिल्कुल दोस्तों हमारे ये मेरे साथ आपको इंटरनेशनल स्टेडियम जो नया न्यू चंडीगढ़ में बना, अगर कैमरामैन थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दें, ये नया स्टेडियम है दोस्तों जो न्यू चंडीगढ़ में बना है। और आपको पता है जहाँ पे स्टेडियम बन जाता है क्रिकेट दोस्तों जहाँ पे आ जाती है वो शहर दोस्तों बहुत अच्छी तरह डेवलप करता है, बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। तो बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम के पास आपको 250 गज का ये घर मिलने वाला है। इसको आप ज़रूर एक बार चेक करें। इसकी सारी प्राइसिंग साइजिंग लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज़रूर एक बार आप देख लें। तो ये इसके साथ दोस्तों आ जाएंगे हमारा ड्रेसिंग एरिया। इस ड्रेसिंग एरिया का जो साइज रहने वाला दोस्तों वो है 8x6 का। तो बात करूँ ये हमारा आ गया ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पे हमें दोस्तों स्पेस मिल जाती है
कुछ ना कुछ दोस्तों सामान रखने की, आप चाहे कोई अपनी हमारी मातांगर बहने अपना सामान रख सकती हैं, आप कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज करना चाहते हैं, कोई दोस्तों शोकेस की आइटम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और इस साथ आ जाएंगे आपके वार्डरोब। ये देखिए रूम हाइट तक आपके ये वार्डरोब आ जाते हैं। इसमें आपको लॉकर मिल जाएंगे, ऊपर तक दोस्तों स्टोरेज मिल जाएगी, और ये भी आ गया आपके वार्डरोब। तो बहुत अच्छी दोस्तों आपको स्टोरेज मिलने वाली है। और ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम के साइज की बात करूं तो 10x5 इसका साइज रहने वाला है। और अगेन देखिए आपकी सारी फिटिंग कोलर ब्रांड की रहने वाली है। अगेन आपको स्मार्ट मिरर मिलता है, आपको रूफ हाइट तक टाइल्स लगी हुई है, सीलिंग प्रॉपर्टी का कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे आपको विंडो भी मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो ये था हमारा 250 गज में बना हुआ बहुत प्यारा अल्ट्रा लग्जरी न्यू चंडीगढ़, बिल्कुल क्रिकेट स्टेडियम के पास। ऐसा घर दोस्तों जो गमाडा लोकेशन होने वाली है आपको पता ही है। इसको आप देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी विजिट प्लान करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले वही कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे पास आपको सस्ती से सस्ती इन्वेंट्री, चाहे वो कोठी मकान दुकान प्लॉट हमारे से मिलती है। और हमारी कोशिश रहती है कि बहुत सारे आपको पता है व्यूवर्स के क्वेश्चन होते हैं कि आप हमें न्यू चंडीगढ़, आप चंडीगढ़ पंचकुला की प्रॉपर्टी दिखाएं, तो दोस्तों आपको पता है वहाँ प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी रहती है। तो ये हमारी न्यू चंडीगढ़ की सीरीज की दोस्तों वीडियो है, आप इसको ज़रूर, अगर आपके कोई रिलेटिव कोई फ्रेंड न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनको एक बार ज़रूर शेयर कर दें। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी दोस्तों कंसर्न है, आप हमें कमेंट करें, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं हमें कॉल करें, और हमारा व्हाट्सएप चैनल फेसबुक पेज इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। और हम दोस्तों रेरा रजिस्टर्ड हैं, इसलिए आप कभी भी किसी से डील करते हैं तो उनसे एक बार ज़रूर चेक करें कि आप रेरा रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, आपको हमारा रेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ हमें एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।